एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, भैया अच्छा लगा जब मेरे पिछले मैसेज का आपने इतने जम के और इतने दिल से रिस्पांस दिया। लाखों मैसेजेस मिले जिनमें आपने खुल के इस बात से एग्री किया कि महिलाओं की इज्जत करना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं, हमारे समाज की फाउंडेशन है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें लगा कि एक एक्टर जो अपनी फिल्मों में लड़कियों के साथ नाचता गाता है हमें मॉरलिटी सिखाएगा। उन लोगों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। जो मेरा प्रोफेशन है एक एंटरटेनर का, वो तो है। ईमानदारी और गर्व से अपना काम करता रहूंगा। हाँ, जब कोई टॉपिक पे बात दिल की गहराई से निकलती है तो बोल देता हूं। आपको उसमें कुछ अच्छा लगे तो रख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, आज 24 जनवरी है, परसों 26 जनवरी, बहुत बड़ा दिन है 26 जनवरी, तो सोचा इस दिन के लिए आपसे एक आइडिया, एक सोच शेयर करता। हमारी सरकार जो है, ऐसे आर्म फोर्सेस के जवान जो बहादुरी से अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार के लिए कंपनसेशन देती है, तो वो अच्छी बात है, सरकार का फर्ज है और वो बाखूबी अच्छी तरह निभाती है। पर हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी तरफ से भी ऐसे जवानों के परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा करे कैसे, उन परिवारों तक पहुंचे कैसे, उनका एड्रेस क्या है। जी, मैं एक पब्लिक फिगर हूं, उसके नाते तो मैं पूछ पाछ के पता कर लेता हूं और मुझे पता चल जाता है। और सच कहूं तो मैं अपने लेवल पे पता करके कई बार मदद कर भी चुका हूं। पर बात यहां मेरी नहीं है, मेरी तरह ऐसे हजारों लोगों की है जो हमारे शहीदों की फैमिलीज की हेल्प करना चाहते हैं। तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसा करें कि उन शहीदों के परिवार और आपको एक कॉमन जगह पे लाके मिलवा दें। देखो यार, ये डायरेक्ट मेरे दिल से है, ये आइडिया जो है मेरे डायरेक्ट मेरे दिल से निकला हुआ आइडिया है। हो सकता है कि एकदम बेकार हो या एकदम हिट हो। देखिए, मैं सोचता हूं कि हमारे देश में एक ऐसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप हो जो एक शहीद जवान की फैमिली और उनकी मदद करना चाहने वाले लोगों को डायरेक्ट लाइन पे मिला दे। मतलब यह कि अगर कोई इंडियन आर्म फोर्सेस का जवान ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे देता है तो उसके परिवार के किसी एक क्लोज सदस्य, यानी कि पिता हुआ या माताजी हुई या उनकी बीवी हुई, का वेरिफाइड बैंक अकाउंट नंबर इस वेबसाइट पे अगले ही दिन आ जाए, साथ में आ जाए उनके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति की डिटेल कि कितने लोगों की रोजी रोटी उस एक जवान के भरोसे चल रही थी। आप और मैं, जो भी इंसान उस परिवार की मदद के लिए पैसा देना चाहे, वो एकदम डायरेक्ट बिना किसी अथॉरिटी या अफसरों के बीच में आए उस शहीद जवान के परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। आप 100 रुपए देना चाहे या 1,000 रुपए देना चाहे या 1,00,000 रुपए देना चाहे, ये आपकी अपनी मर्जी और कैपेसिटी पे है। लेकिन उस अकाउंट में गई हर डोनेशन की डिटेल्स उस वेबसाइट पे साफ साफ नजर आ जाएगी। जैसे ही एक शहीद के लिए टोटल डोनेशन का अमाउंट 15 लाख हो जाएगा, वो अकाउंट वेबसाइट से हटा दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जी सिंपल है, एक छोटा सा मैथ्स आप लोगों को समझाता हूं। हमारे देश में 125 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, अगर उनमें से सिर्फ 15,000 लोग, आप समझ रहे हैं, एक रॉक बैंड का कॉन्सर्ट में भी 1,00,000 लोग जाते हैं और हजारों रुपए की टिकट लेके देखने जाते हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं 15,000 लोग, अगर 15,000 आदमी सिर्फ 100 रुपया भी उस जवान के अकाउंट में डाल दें, तो बैंक की ई ट्रांसफर के टाइम भी लगा लो तो सिर्फ 4 घंटे के अंदर उस जवान की फैमिली को 15,00,000 रुपए मिल जाएगी। उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, बिना कोई फॉर्म भरे, बिना दफ्तरों के चक्कर काटे। आप मुझे इस आइडिया पे अपने विचार बताएं। अगर आपका साथ है तो मैं ये वेबसाइट
और मोबाइल ऐप आर्म फोर्सेस की परमिशन और गवर्नमेंट की हेल्प से खुद ही बनवा दूंगा। देखो यार, अपनी अपनी लाइफ की परेशानियों से हम जूझते रहेंगे, पर आज लाइफ है क्योंकि वो बंदूक तान के बैठा है दिन रात। अगर हम ये काम कर गए ना, तो वो सरहद पे बैठे हमारे जवानों के लिए हमारे तरफ से ये सबसे बड़ा सल्यूट रहेगा 26 जनवरी को। सोचना,